दोस्तों आज मैं पिरानाकोंडा मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत में हम प्रोफेसर और उसके दो साथियों को देखते हैं, जो रिसर्च के लिए एक अंडे की खोज में हेलीकॉप्टर से जा रहे होते हैं। अब वहां पहुंचकर वो पायलट को रुकने के लिए कहते हैं। फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें लेक के किनारे पर काफी सारे अंडे दिखते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर काफी खुश हो जाता है। जब प्रोफेसर रिसर्च के लिए उस अंडे को पैक कर रहा होता है तो तभी उन पर एक बहुत बड़ा पिरानाकोंडा अटैक कर देता है और उसके दोनों साथियों को मार डालता है, लेकिन किसी तरह प्रोफेसर वहां से निकल जाता है। तभी जब पायलट की नजर उस पिरानाकोंडा पर पड़ती है तो वो हेलीकॉप्टर लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन पिरानाकोंडा हेलीकॉप्टर पर भी अटैक कर देता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और अब ये देखकर प्रोफेसर काफी परेशान हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी जंगल में एक शूटिंग चल रही होती है, जिसके डायरेक्टर का नाम माइलो होता है और लीड एक्टर्स में किमी और रोज इसकी स्क्रिप्ट राइटर होती है। तभी जैक, जो इसमें विलेन का रोल कर रहा होता है, वो वहां पर आता है, जो कि रोज को पसंद करता था। अब सारा पैकअप होने के बाद मार्गरेट रोज के पास आती है और उससे लाइट मीटर मांगती है, जिस पर रोज उससे कहती है कि वो लेक के किनारे है। इसके बाद मार्गरेट जब वहां पर आती है तो उसे वहां वो लाइट मीटर मिल जाता है, लेकिन तभी वहां पर वो पिरानाकोंडा भी आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी पिरानाकोंडा उसका एक पैर खा जाता है, जिससे वो रेंगते हुए उससे दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पिरानाकोंडा उसे एक ही बार में अटैक करके पूरा खा जाता है। फिर हम जैक और रोज को देखते हैं, जहां रोज जैक को उसी पिरानाकोंडा के बारे में बताती है, जिसके बारे में उसने रिसर्च की थी। तभी रोज उससे कहती है कि हाल ही में उसे कुछ लोगों ने जंगल में देखा है, लेकिन जैक इस बात को सीरियसली नहीं लेता। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जो उसी जंगल में लेक के पास नहाने के लिए जाती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर पिरानाकोंडा भी पहुंच जाता है और उससे निगल जाता है। इधर हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं, जो पैदल चलकर एक पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। तभी वहां पर एक लड़की तालिया उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, जो कि एक गैंगस्टर पाइक की गर्लफ्रेंड होती है। फिर प्रोफेसर पाइक को बताता है कि यहाँ पर रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस जंगल में एक बहुत बड़ा पिरानाकोंडा घूम रहा है। लेकिन पाइक उसकी बात नहीं मानता और उसका मजाक बनाने लगता है। फिर वो उसे उस फैक्ट्री में बंद कर देता है। इसके बाद तालिया प्रोफेसर का बैग चेक करती है, जिसमें उसे पिरानाकोंडा का अंडा मिलता है। फिर अगले सीन में हम एक डॉक्टर डेबी और विकी को देखते हैं, जो जंगल में एक फूल ढूंढने आई होती हैं, जो कि लोगों को तुरंत ही हील कर देता है। अब कुछ देर बाद उन्हें वहां पर वो फूल मिल जाता है और वो उसे लेने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें जंगल से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो दोनों काफी डर जाती हैं और उन फूलों को लेकर वहां से भागने लगती हैं। लेकिन तभी पिरानाकोंडा आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और फिर क्या, वो उन दोनों को बुरी तरह मार डालता है। इधर हम देखते हैं कि अब जंगल में शूटिंग होने लगती है, जहां साइड एक्टर रचेल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी। ये देखकर डायरेक्टर माइलो उसे रिहर्स करने के लिए कहता है, जिसके बाद रचेल रिहर्स करते करते अब उस लेक तक पहुंच जाती है और तभी उसकी नजर पिरानाकोंडा पर जाती है, जिससे वो काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। पिरानाकोंडा भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उससे पहले कि वो रचेल पर अटैक करता, वहां पर एक और पिरानाकोंडा आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक साथ रचेल पर अटैक कर देते हैं, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। इधर हम जैक को देखते हैं, जो वहां के गनर से मिलता है। तभी वो गनर उसे एक ऐसा एक्सप्लोजिव देता है, जिसे जमीन पर मारने से ब्लास्ट हो जाता है। इधर माइलो किसी से बात कर रहा होता है, फिर वो सभी को बताता है कि इस मूवी के इन्वेस्टर्स अब इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें अब ये शूटिंग बंद करनी होगी। फिर जब ये वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक गाड़ी खड़ी होने की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है, और तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर पाइप के आदमी होते हैं, जो इन लोगों को किडनैप करने के लिए आए होते हैं। ये देखकर ये सभी डर जाते हैं। तभी आर्ट्रो माइलो के पैर में गोली मार देता है, ताकि सभी लोग डर जाएं और उसकी बात मान लें। लेकिन तभी गनर वहां पर एक्सप्लोजिव यूज करता है और जैक के साथ जंगल की तरफ भागने लगता है। फिर आर्ट्रो अपने कुछ साथियों को उनका पीछा करने के लिए भेजता है।
इसके बाद आर्ट्रो उन सभी से उनके मोबाइल फोन्स ले लेता है और उन्हें चुपचाप अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर जंगल में जैक और गनर अलग होकर भागने का फैसला करते हैं। इसके बाद गनर चुपके से अपना पीछा करने वाले आदमी पर लकड़ी से अटैक कर देता है और जैक भागकर नदी में कूद जाता है, लेकिन फिर भी वो आदमी उस पर कई गोलियां चलाने लगता है। तभी वहां पर वो पिराना कोंडा आ जाता है और उसे निकलकर वहां से चला जाता है। अब कुछ देर बाद जैक उस पानी से बाहर आता है और पिराना कोंडा की आवाज से उसे पता चल जाता है कि जंगल में कोई खतरनाक जानवर है। अब अगले सीन में हम एक कपल जेमी और रिक को देखते हैं जो अपना हनीमून एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। इसके बाद जब रिक फ्रेश होने के लिए एक पेड़ के पास जाता है तभी पिराना कोंडा उस पर हमला करके उसे मार देता है। इधर जेमी काफी देर तक रिक का नाम लेकर उसे बुला रही होती है और अब उसके ना आने से वो काफी परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद रिक उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। इधर पाइक का एक आदमी आर्ट्रो के पास एक वीडियो कैमरा लेकर आता है जो कि प्रोफेसर के एक साथी का था। फिर जब आर्ट्रो उस वीडियो कैमरे को देखता है तो उसमें उसे पिराना कोंडा दिखाई देता है जिससे अब वो बहुत डर जाता है। इसके बाद वो उन सभी को लेकर पाइप के पास उस फैक्ट्री में पहुंच जाता है और उसे वो वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए कहता है। फिर आर्ट्रो पाइप को वीडियो दिखाता है और कहता है कि प्रोफेसर उस जानवर के बारे में सही कह रहा था। दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं जो वापस वहां आकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और तभी वहां पर गनर भी आ जाता है जो कि वहीं छिपा हुआ था। फिर वो उसे बताता है कि वो इस कार की बैटरी निकाल कर ले गए हैं। अब यहां जैक उस गनर को उस जानवर के बारे में बताता है जिसके बाद गनर गाड़ी से अपने एक्सप्लोजिव निकालने लगता है। इसके बाद ये दोनों आर्ट्रो की गाड़ी के निशान को फॉलो करते हैं। इधर पाइप माइलो रोज और किमी को बुलाता है और एक वीडियो शूट करता है जिसमें वो धमकी देकर कहता है कि अगर 24 घंटे में $3 मिलियन उसके अकाउंट में नहीं आए तो वो उन तीनों को जान से मार डालेगा। इसके बाद रोज आर्ट्रो से फ्रेश होने के लिए कहती है जिसके बाद आर्ट्रो उसे अपने साथ ले जाता है। तभी रोज उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है जिससे आर्ट्रो का ध्यान भटक जाता है। तभी रोज उस पर अटैक करके वहां से भागने लगती है। इसके बाद आर्ट्रो अपने एक आदमी को उसका पीछा करने के लिए कहता है। इधर रोज भागते भागते काफी आगे आ जाती है और तभी वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर पिराना कोंडा के काफी सारे अंडे होते हैं। तभी पाइप का आदमी भी वहां पर पहुंच जाता है लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी पिराना कोंडा वहां आकर उस पर अटैक कर देता है। रोज ये देखकर काफी डर जाती है और भागकर वहां से वापस उस फैक्ट्री पर आ जाती है क्योंकि वो उस पिराना कोंडा को देखकर काफी डर गई थी। तभी जैक और वो गनर भी उस फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। तभी जैक को वहां पर रोज दिखाई देती है जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि बाकी लोग भी वहीं पर होंगे। फिर जैक और गनर वहां पर पहुंच जाते हैं और जैक पाइप के आदमियों को एक एक करके मारने लगता है। इधर गनर फैक्ट्री में जगह जगह पर एक्सप्लोजिव लगाने लगता है। इधर जैक उन सभी के पास पहुंच जाता है और उन्हें लेकर वहां से निकलने लगता है। अब वो गाड़ी इनसे काफी दूर होती है इसीलिए माइलो डिसाइड करता है कि वो वहां रुककर उन आदमियों को शूट करेगा क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है इसीलिए वो भाग नहीं सकता। फिर माइलो फायर करके पाइप और उसके आदमियों को शूट करने लगता है जिससे बाकी लोग भागकर गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर पिराना कोंडा भी पहुंच जाता है और सबके आंखों के सामने ही वो तालिये को मारकर खा जाता है। तभी गनर उस फैक्ट्री को एक्सप्लोजिव से उड़ा देता है लेकिन तभी उसे भी गोली लग जाती है जिससे वो मारा जाता है। इसके बाद बाकी लोग गाड़ी में बैठकर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं लेकिन पिराना कोंडा भी उनका पीछा करने लगता है। तभी पाइप भी उस पिराना कोंडा के पीछे जाने लगता है। अब जैक गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगता है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और पिराना कोंडा भी बिजली की रफ्तार से उनके पीछे आ रहा होता है। तभी आगे जाकर जैक तुरंत गाड़ी रोक देता है क्योंकि आगे एक पिराना कोंडा पहले ही उनके सामने बैठा हुआ था। तभी पीछा करते हुए पाइप भी वहां पर आ जाता है जिसके बाद वो उन पर रॉकेट से अटैक करने वाला होता है। ये देखकर जैक फिर से गाड़ी को स्टार्ट करता है जिससे बाकी सभी काफी घबरा जाते हैं। अब जैसे ही पाइप रॉकेट छोड़ता है तो वो गाड़ी पर लगने के बजाय सीधे पिराना कोंडा को जा लगती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। ये देखकर पाइप वहां से भाग जाता है। तभी उस पिराना कोंडा के पास वो दूसरा पिराना कोंडा आता है और उसे जख्मी देखकर वो उस पर हमला कर देता है। इधर आगे जाने पर इनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है जिससे सभी काफी परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ प्रोफेसर उन्हें एक बोट के बारे में बताता है जो कि यहीं कुछ दूर लेक के पास ही थी जिसके बाद ये उस बोट की तरफ जाने लगते हैं।
तभी हम माइलो को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है। तभी उसे आगे जाने पर जैमी मिल जाती है। फिर जैमी उसे बताती है कि वो यहाँ अपने पति का इंतजार कर रही है, जिस पर माइलो उसे बताता है कि अब तक तो उसे उस बड़े से एनाकोंडा ने खा लिया होगा। लेकिन जैमी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और रिक को ढूंढते हुए जंगल में चली जाती है। तभी आगे जाने पर उसे पिरानाकोंडा के बहुत सारे अंडे मिलते हैं, जिसे देखकर माइलो उसे बताता है कि ये उसी पिरानाकोंडा के अंडे हैं। ये देखकर जैमी गुस्से में एक लकड़ी उठाकर उन अंडों को फोड़ने लगती है। तभी वहां पर वो पिरानाकोंडा आ जाता है और माइलो को चट कर जाता है। तभी पिरानाकोंडा जैमी पर भी अटैक करता है और उसे आधा खा जाता है। इधर अब ये सभी प्रोफेसर की बताई बोर्ड तक पहुंच जाते हैं। तभी रोज को प्रोफेसर के बैग में एक अंडा मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये उसी पिरानाकोंडा का है। अब जैक समझ जाता है कि पिरानाकोंडा उनके पीछे नहीं बल्कि इस अंडे के पीछे आ रहा था। अब जैक किसी अंडे की मदद से पिरानाकोंडा को मारने का प्लान बनाता है, जिसके बाद ये सभी वापस से अपनी गाड़ी के पास आते हैं, जहां पर उन्हें गनर के एक्सप्लोजिव मिल जाते हैं। तभी पाइप अपने आदमियों के साथ वहां जाता है और जैक के कंधे पर सूट कर देता है। वो उन्हें धमकी देता है कि अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो उन्हें मार देगा। तभी जैक उसे समझाता है कि अगर उसने उस पिरानाकोंडा को नहीं मारा तो वो हम सबको मार डालेगा। और तभी वहां पर वो पिरानाकोंडा आ जाता है, जो पाइप के सभी आदमियों को खा जाता है। तभी मौका देखकर प्रोफेसर वो अंडा लेकर बोट की तरफ जाने लगता है। इधर किमी जैक और रोज को जाने के लिए कहकर गाड़ी से एक्सप्लोजिव के रिमोट को लेने जाती है, और तब तक पिरानाकोंडा आर्ट्रो और पाइप को भी निगल जाता है। इसके बाद वो किमी के पास जाकर उसे भी मार देता है। ये देखकर अब रोज काफी दुखी हो जाती है, पर जैक उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वो अभी भी उसे मार सकता है, इसलिए वो उसे वापस बोट पर जाने के लिए कहता है। इधर प्रोफेसर अकेले ही वो बोट लेकर भागने वाला होता है, लेकिन तभी रोज वहां पहुंचकर उसे रोक देती है। पर फिर भी प्रोफेसर कहता है कि जैक उससे नहीं बचेगा, इसलिए उन्हें चलना चाहिए, जिसके बाद ये दोनों उस बोट से निकल जाते हैं। इधर जैक वापस गाड़ी की तरफ जाता है, जहां पर उसे वही एक्सप्लोजिव मिलते हैं। फिर वो पाइप की मोटर बाइक से जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि पिरानाकोंडा अंडे का पीछा करते हुए नदी में पहुंच जाता है, जिसे देखकर रोज प्रोफेसर से उस अंडे को पानी में फेंकने के लिए कहती है, लेकिन प्रोफेसर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और रोज से उस अंडे को छीन लेता है। लेकिन तभी रोज उस बोट को घुमा देती है, जिससे वो अंडा पानी में गिर जाता है। इस बात से प्रोफेसर काफी गुस्सा होता है और दोबारा से उसे लेने के लिए बोट को घुमाता है। फिर जैसे ही प्रोफेसर उस अंडे को निकालने जाता है, तभी रोज उसे भी पानी में धक्का दे देती है और फिर अंडे को वापस निकाल कर प्रोफेसर को वहीं छोड़कर बोट लेकर वहां से चली जाती है। तभी पिरानाकोंडा भी वहां पर आ जाता है और प्रोफेसर को खा जाता है। इधर रोज उस अंडे को लेकर जैक के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद ये उस अंडे को उसी जगह ले जाने लगते हैं जहां रोज ने उस पिरानाकोंडा के बहुत सारे अंडे देखे थे। अब ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उस पिरानाकोंडा के वहां आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद पिरानाकोंडा वहां पर आ जाता है, जिसके बाद जैक उस अंडे में एक्सप्लोजिव रखकर पिरानाकोंडा की तरफ फेंकता है, जिसे वो पिरानाकोंडा निगल जाता है। तभी ये दोनों पानी में कूदकर उस रिमोट को दबा देते हैं, जिससे वो पिरानाकोंडा ब्लास्ट होकर मारा जाता है। इसके बाद अब जैक और रोज उस पानी से बाहर आ जाते हैं और दोनों काफी खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पर तभी एक बड़ा सा पिरानाकोंडा आकर उन दोनों को निगल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।